और चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं। वायनाड में मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ गया है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से अब तक 156 शव बरामद हुए। अभी भी बताया जा रहा है 800 से ज्यादा लोग मलबे के अंदर फंसे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का इस बीच देखिए अलर्ट भी जारी किया है। यानी कितना मुश्किल है, एक तरफ मूसलाधार बारिश की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और अभी भी रेस्क्यू में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है वो आ रही है मौसम की वजह से, क्योंकि बारिश का दौर जारी है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बता दें जिस जगह लैंडस्लाइड आया वो एक टूरिस्ट स्पॉट भी था। इस मौसम में सैलानी वहां पर पहुंचते हैं बड़ी तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से। चारों तरफ अब वहां सिर्फ मलबा फैला है। आशंका है कि मौत का आंकड़ा भी आगे और बढ़ेगा, क्योंकि सैकड़ों लोग अभी ऐसे हैं जो इस मलबे में दबे हो सकते हैं। और जैसे जैसे शव बाहर आ रहे हैं आप देखिए जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 150 से ज्यादा लोगों के शव मिल चुके हैं। 800 के करीब लोग बताया जा रहा है कि फंसे हुए हैं। कुछ लोग तो कहीं रिजॉर्ट के ऊपर छतों पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गांव के गांव बह गए हैं, गाड़ियां बह गई हैं, घर मकान रिजॉर्ट सभी जमींदोज हो गए हैं। और इस तरफ दूसरी तस्वीर में आप देखिए कैसे जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई हैं कि लोगों का रेस्क्यू किया जाए। मलबा हटाने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि लगातार बारिश ऊपर से हो रही है।